आजकल ये तो नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को देख रहे हैं तो उससे पहले अपने टैक्स बचत योजना को आप जो है निर्धारित कर लें, आप तय कर लें। और उससे भी पहले बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था अब 1 अप्रैल से लागू हो गई है। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे शख्स हैं जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस टैक्स व्यवस्था में आपको रुकना चाहिए, तो इसकी समझाइश आपको देंगे। साथ ही 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के अंदर अगर आपकी कमाई है और तमाम तरह के फ़ायदे अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नई टैक्स व्यवस्था में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे। दर्शकों के कुछ सवाल भी हैं टैक्स जुड़े हुए जो हम शो में शामिल करेंगे, जवाब देंगे तरुण गर्ग, डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया। तरुण, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और नए वित्त वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो है हमारे पास तमाम सवाल भी आ गए हैं लोगों के, दर्शकों के, जो समझना चाहते हैं कि अब उनकी टैक्स को लेकर रणनीति क्या हो। तो तरुण, नई टैक्स व्यवस्था लागू हो चुकी है, ठीक है, और अब जो है अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था है, ठीक है। अगर आप पुराने टैक्स रजीम में रहना चाहते हैं तो इसका आपको चुनाव बाकायदा करना होगा, नहीं करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाएंगे। लेकिन आज भी जब इसका ऐलान हुआ था तब से लेके अब तक लगातार आप भी शो पे कई बार आ चुके हैं तरुण, हमने समझाया है लोगों को कि कैसे उनको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि वो पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहें या नई में रहें। लेकिन आज फिर से एक टैक्स पाठशाला हम लेकर आए हैं जहां पर आपको यही बताएंगे, क्योंकि अब निर्णय लेने का समय आ गया है। तो अलग अलग इनकम स्लैब्स जो हैं वो हमने तय किए हैं, 7.5 लाख अगर आपकी कमाई है, 10 लाख है या 15 लाख है, इसमें आप फ़ायदे लेते हैं और अगर नहीं लेते हैं तो आपकी बचत कहाँ ज़्यादा होती है, ये हमारा चर्चा का पहला मुद्दा होगा तरुण, जिस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। एक मैं चाहती हूँ हम एक रिविजन करा लें, रिफ्रेश बटन जो है वो क्लिक कर देते हैं और नई टैक्स व्यवस्था में क्या क्या टैक्स लैब्स हैं उससे शुरुआत करते हैं, बताएं। देखिए, ये एक बहुत ही कंफ्यूजन का क्वेश्चन हो जाता है कई जो जिन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो जो भी हमारे जो करदाता हैं, जिनका जिनको अपना नया टैक्स रिजीम में जाना है, तो उसमें जो हमारे स्लैब रेट हैं, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख पर 20% का टैक्स है और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। तो ब्रॉडली जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था पहले, पुराने टाइम में हमारे एक 6 स्लैब्स का स्ट्रक्चर था और अब उसको कम करके 5 स्लैब्स में ही उन्होंने ब्रॉडली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज जो दर्शकों को जाननी चाहिए कि 7 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो उस पे कोई भी टैक्स नई व्यवस्था में तो कम से कम नहीं देना पड़ेगा आपको, और पुरानी व्यवस्था में हालांकि कोई भी चेंज नहीं है। और जैसा कि आपने ये भी बताया था कि पुरानी रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम नहीं है, नई रिजीम ही एक डिफॉल्ट रिजीम बन गई है, तो आपको चयन करना पड़ेगा अगर आपको नई रिजीम में जाना है, पुरानी रिजीम में जाना है, नई रिजीम अदरवाइज आपकी एक डिफॉल्ट रिजीम बन जाएगी। अब निवेश अगर आप जो करते हैं, कौन कौन सी डिडक्शन बेनिफिट्स आपको नई व्यवस्था में मिलेगा, जो नई व्यवस्था में अब जो कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको जो एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो आपकी चैप्टर 6 से में बहुत सारे जो आपके विकल्प थे वो आपके पास नहीं रहेंगे, तो इसमें चाहे आप सुकन्या समृद्धि है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, या फिर आप बैंक एफडी में अगर डालते हैं, चिल्ड्रन की स्कूल एजुकेशन फीस है, या फिर अगर आपका होम लोन का जो 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 प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप रीपे करते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको नई व्यवस्था में नहीं मिलता है। और इसके साथ ही आपको एचआरए का बेनिफिट, लीव ट्रैवल कंसेशन और ये जो इसकी इस तरीके की डिडक्शंस हैं, ये सारा आपको फिर नई व्यवस्था में नहीं मिलेगा। इवन हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है, जो 2 लाख तक की जो डिडक्शन है, वो भी नहीं मिलेगी नई व्यवस्था। ब्रॉडली फिर यही है इसका सार। और अगर हम देखें कि कौन सी रिजीम में जाना बेहतर होगा, तो वो आपकी आमदनी पर भी डिपेंड करता है। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब
और छोड़ना चाहूंगा कि आप अगर दर्शक स्पेसिफिकली वो पूछे तो मैं उनका जवाब दूं। यहाँ पर हम एक मॉडल पोर्टफोलियो या जिसको हम कहें कि मॉडल टैक्स स्लैब के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। तो तरुण, एक शख्स जो सालाना लगभग 10 लाख रुपए अगर कमाता हो, उनको अगर हम पुरानी टैक्स रिजीम के मुताबिक देखें या उसके हिसाब से देखें, तमाम फ़ायदे अगर वो लेते हैं, तो उनकी नई टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में आप तुलना करें तमाम तरह के फ़ायदों को लेने के बाद, तो कहाँ बचत ज़्यादा होती है और उनके लिए किस तरह का फ़ायदा होगा? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं पुरानी व्यवस्था में देखूं और अगर इस पर्सन की अगर 10 लाख तक की आमदनी है तो उसको मिनिमम मिनिमम कम से कम नहीं तो 3 लाख का उनको बेनिफिट या क्लेम करना पड़ेगा। 3 लाख की डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तभी जाके जो उनका टैक्स का अमाउंट है वो करीब करीब 54,000 या 54,600 के करीब आएगा। तो ये उनको निर्धारण करना पड़ेगा कि वो मतलब पुरानी व्यवस्था में ही अगर जाना चाहते हैं तो 3 लाख तक, 50,000 तो वैसे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर हो जाता है, तो उसके अलावा और 2.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी पड़ेगी अगर उसकी टैक्सेबल आमदनी 10 लाख की है। तो अब 2.5 लाख की वो कैसे सेविंग कर सकते हैं? 2.5 लाख की सेविंग या तो वो ये पेंशन प्रोडक्ट्स में जाएं या फिर सारी सुकन्या समृद्धि में, वहां पर 1.5 लाख तक की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। 50,000 वो एनपीएस में डालें, और इसके अलावा अगर वो उनका एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस वो क्लेम कर रहे हैं, तो मोटा मोटी उनको ब्रॉडली 3 लाख तक की इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक की आमदनी वाले इंसान को करनी पड़ेंगी, तभी जाके उसको नई रिजीम से बेनिफिट होगा। अदरवाइज पुरानी रिजीम से बेनिफिट होगा, अदरवाइज वो नई रिजीम में जाए तभी अपना टैक्स को बचा पाए। चलिए, तो यहाँ पर अगर 10 लाख की कमाई है और उस पर अगर आप नए टैक्स स्लैब में जाते हैं, तो किस तरह से आपकी बचत हो रही है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर पुरानी टैक्स व्यवस्था में अगर आप देखें तो 10 लाख की कमाई पर लगभग आपको 75,000 का टैक्स लग रहा है, और नई टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आपकी लगभग 15,000 की बचत हो रही है और आपको जो है 60,000 तक का टैक्स देना पड़ रहा है। ये कैलकुलेशन सामने निकल कर आ रही है। अच्छा, 7,500 कि जो कमाई करते हैं उनके लिए आप कुछ खास कहना चाहेंगे? देखिए, 7.5 लाख वाले का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि 7.5 लाख पे अगर आप नई रिजीम में जाते हैं तो वैसे भी बहुत जीरो टैक्स ही आएगा। उसका कारण ये है कि 50,000 तक का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल जाएगा, तो 7 लाख आएगी आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। और अगर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम वैसे भी अगर 7 लाख तक है, तो वित्त मंत्री ने वैसे ही कहा ही था कि, और अब तो वो एक्ट भी बन गया है राष्ट्रपति जी का, हमें उस पर कंसेंट भी मिल गया था, तो उसमें 7 लाख की तक की आमदनी पर, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम पर जीरो टैक्स कंप्यूट होता है नई रिजीम, नई व्यवस्था के हिसाब से। तो 7.5 लाख तक की आमदनी वालों को तो वैसे भी मतलब नई व्यवस्था में उनका कोई टैक्स नहीं बनेगा। चलिए, अब हम आते हैं 15 लाख की कमाई पर, जहाँ पर आपके पास अगर होम लोन है तरुण और नहीं है, दोनों कैलकुलेशन करके हमको बताएं। देखिए, हाँ, अगर आपके पास होम लोन है तो होम लोन में अगर मैं आपका अज्यूम करूं कि आप 2 लाख तक का जो डिडक्शन है, बेनिफिट है, वो होम लोन के जरिए ले रहे हैं, 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल ही जाएगी, और बाकी अगर आप फिर निकल के, मोटा मोटी यही आता है कि अगर जैसे 2 लाख का होम लोन आपने ले रखा है, इंटरेस्ट उस पे दे रहे हैं, और करीब करीब 1.5 लाख तक का आपने आपने इन्वेस्टमेंट इन अदर रिजीम्स में करा हुआ है, सुकन्या समृद्धि हो गई या फिर और विकल्प हैं आपके पास, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, और अगर बचा हुआ जो आपका 8-10 हजार रुपए का है वो अगर आपने एनपीएस उसमें डाला है, तो ब्रॉडली आपका फिर एक जो ब्रेक इवन आएगा, जो पुरानी रिजीम में आपका टैक्स लगभग लगभग 1,45,610 रुपए, ये इंक्लूड करके एजुकेशन सेस, ये आएगा आपका टैक्स बनता है करीब 1,40,010 रुपए, और एजुकेशन सेस अगर उसमें 5,600 रुपए और जोड़ दूं तो करीब करीब 1,45,610 रुपए का। तो इसमें मैं यही देख रहा हूं, तो ब्रेक इवन जो निकल के आता है
4,08,300 रुपए। तो नई नई पुरानी रिजीम में बने रहने के लिए मिनिमम आपको 4,08,300 रुपए का इन्वेस्टमेंट या ये करनी पड़ेंगी। मतलब इसमें मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ा है, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को मैं घटा दूं तो करीब करीब 3,58,300 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका टैक्स का जो रेट है, इनकम टैक्स का जो लाइबिलिटी है, वो बराबर आए नई रिजीम में और ओल्ड रिजीम में। तो ब्रॉडली 1,45,610। अगर आपने होम लोन नहीं लिया तो वैसे ही टैक्स का आपको 2 लाख पे आप देख ही सकते हैं, तो 30% का और आपको टैक्स पड़ जाएगा। करीब करीब 2 लाख पे अगर मैं 30% का जोड़ूं तो करीब 60,000 रुपये बनता है। तो 1,40,000, 2 लाख के करीब तो टैक्स ही बन जाएगा। 2 लाख के ऊपर अगर मैं 4% का सेस को भी जोड़ूं तो करीब करीब मेरा 8,000 रुपये और वो बन जाएगा। तो ब्रॉडली मतलब 2,10,000 रुपए का मेरे को टैक्स पड़ जाएगा विदाउट होम लोन। अरुण, ये बताएं कि अब इस पूरे कैलकुलेशन में एचआरए जैसी चीजें कैसे शामिल होंगी नए टैक्स व्यवस्था में? देखिए, एचआरए नई टैक्स व्यवस्था में तो एचआरए का कोई भी बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एचआरए सेक्शन 10(13A) के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। और क्लियरली अगर हम नई टैक्स व्यवस्था का प्रिंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी बेनिफिट और कौन से डिडक्शन आपको मिलेंगी और कौन से डिडक्शन छूट आपको नहीं मिलेंगी। तो एचआरए एक ऐसी छूट है जो कि नई टैक्स व्यवस्था में आपको नहीं मिलेगी। तो एचआरए लेने के लिए पहले आपको एक सैलरीड एम्प्लॉय होना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल्स या फिर कोई इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं तो उनको तो एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हाँ आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको, अगर और आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो नियोक्ता है, वो अगर आपको एक एचआरए दे रहा है तो एचआरए का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, पर वो पुरानी रिजीम में ही आपको टैक्स की छूट से मिलेगी। उसके लिए प्रोवाइडेड ये है कि आपको रेंट पे करना है और आपके पास प्रॉपर अग्रीमेंट्स होने चाहिए, तभी आप एचआरए का आप बेनिफिट ले सकते हैं, वो पुरानी ही रिजीम में मिलेगा। तो ये है मोटा मोटा खाका जिसके तर्ज पर आपको कैलकुलेट करना है और ये पता लगाना है कि आपके लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था ज़्यादा आपको बचत दे रही है। लेकिन एक और चीज़, मान लीजिए हम एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तरुण, और हमने चुनाव कर लिया नई टैक्स व्यवस्था का, लेकिन पूरे साल में हमें लगा कि हम जो निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नई टैक्स व्यवस्था में आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंश्योरेंस जैसा जो ख़रीद रहे हैं और जो आप ELSS में निवेश कर रहे हैं या जो ज़रूरी जहाँ पे आपने निवेश कर रखा है, पैसे लगा रखे और शायद आपको उन पर टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, वो आपको रोक देनी है, राइट तरुण? वो जरूरी है कि इस तरह की चीजों में आप लगातार पैसे जो हैं वो डालते रहें, खासतौर से इंश्योरेंस जैसी चीजें और आपके जो निवेश है, क्योंकि अगर आपने उसको अपने लक्ष्य के मुताबिक बांध रखा है तो बहुत जरूरी है कि उस तरह के निवेश को आपको बरकरार रखना है। तो मान लें कि हमने एक साल जो है नई टैक्स व्यवस्था में अपना चुनाव कर लिया और अगले साल हमको लगा कि नहीं, हमें अब पुरानी टैक्स व्यवस्था में जाके तमाम फायदे लेने हैं, क्या ये मुमकिन है? जी जी बिल्कुल, ये आपने एक बेहतरीन प्रश्न पूछा है। तो ये मुमकिन है। तो उसमें अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो मतलब आप अपने अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आप चयन कर सकते हैं कि आपको क्या पुरानी रिजीम में जाना है, नई रिजीम में जाना है। इवन मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपने नियोक्ता, अपने एम्प्लॉयर को ये बेशक डिक्लेयर भी कर दिया है विदहोल्डिंग के टाइम पे, वो जैसे TDS काट रहा है आपके एक पर्टिकुलर रेट से, और आपको जब आपने ड्यूरिंग द ईयर, सपोजिंग आपने मार्च में जाके डिसाइड किया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, और अब आपको लग रहा है नहीं मैं अगर पुरानी ही रिजीम में जाऊं तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप डेफिनेटली, आपके पास रिटर्न फाइलिंग तक का टाइम होगा जो कि 31 जुलाई है। तो उस टाइम तक अगर आप अपनी रिटर्न विद इन दैट टाइम लिमिट 31 जुलाई में फाइल कर सकते हैं, तो आप तब भी चेंज कर सकते हैं और आप नए वित्त वर्ष में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक जो बात जो मैं दर्शकों को बार बार बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो लक्ष्य है या आपका जो इन्वेस्टमेंट है, दैट शुड नॉट बी द ड्राइवर टू सेलेक्ट योर रिजीम्स, वेदर यू वुड वॉन्ट टू गो फॉर अ न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम। और आपको इन्वेस्टमेंट भी उस लक्ष्य से नहीं करना है कि भाई मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूं, नहीं। ये हमारे वित्त मंत्री ने भी बहुत ही अच्छे से समझाया था कि आपका लक्ष्य
इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब बट उसका इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो ये नहीं है कि ये टैक्स के सोचने के कारण इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको रिटायरल में जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे उसके लक्ष्य से आपको करना है, रादर देन कि मेरे को कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा मैं उस लक्ष्य से मैं करूं। तो यही आजकल का इवन हम काफी डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी देखते हैं, बहुत सारे विदेशों में भी वो बेनिफिट, उनका टैक्स इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, वो वही रिटर्न जो अपने लक्ष्य के हिसाब से वो चूज करते हैं। तो वही चीज इंडिया भी उसी उसी दायरे में या उसी स्टेप्स पे जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर होगी कि सारे फायदे जो हैं आपको जो पुराने टैक्स रिजीम के तहत मिल रहे थे, सारे डिडक्शन को छोड़कर वो ख़त्म हो जाएंगे और इसमें एनपीएस भी शामिल होता है, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि एनपीएस में उनको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा नई टैक्स व्यवस्था में। तो एनपीएस में भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा टैक्स बचाने को लेकर, लेकिन हाँ, जहाँ आपकी बचत हो रही है ज़्यादा, वो आपको टैक्स रिजीम चुनना चाहिए। और साथ ही जिस तरह से आपने अपने निवेश विकल्पों को चुना हुआ है, अगर आर्थिक लक्ष्यों के साथ अगर आपने उनको बांधा हुआ है, तो वो निवेश आपको बरकरार रखना होगा। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं और बिजनेसेस के बारे में समझना चाहूं, वो अगर नई टैक्स रिजीम या व्यवस्था में आ जाते हैं तरुण, तो वो चुनाव तो फिर उनके लिए लाइफ लॉन्ग होगा, वो बदल नहीं सकते जी उसे फिर। जी 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 ये एक आपने बहुत ही उपयुक्त चीज है, ये मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगा। जो बिजनेस हाउसेस है जैसे, या फिर जिनकी प्रोफेशनल्स या जिनकी बिजनेस इनकम है, उनको लाइफ में बस एक ही बार ये मौका दिया गया है। तो या तो अगर आप अब आज की डेट में भी अगर आप अपनी पुरानी रिजीम में कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट एक बार आप जैसे नई व्यवस्था में अगर आपने नहीं चयन किया और नई व्यवस्था में अगर आप चले गए हैं, तो आपके पास फिर वो दोबारा पलट के आने का मौका नहीं है, और वो फिर आपका लाइफ लॉन्ग इलेक्शन या लाइफ लॉन्ग चुनाव हो जाएगा नई व्यवस्था में। तो ये एक सोचने योग्य आपके लिए डिसीजन होगा। अच्छा, अब जो लोग मेरे ख्याल से अब नई टैक्स व्यवस्था में आना चाहते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि उनके पैसे ज़्यादा बच रहे हैं, लेकिन अब वो ज़रूरी निवेश विकल्पों की मैं बात करती हूँ जहाँ पर लोगों को बने रहना चाहिए इस बात के बावजूद कि आप नई टैक्स व्यवस्था में चले गए हैं, तो वैसे कौन से ज़रूरी निवेश हैं जो भले ही आप पहले उस पर टैक्स बेनिफिट ले रहे हों, लेकिन उनको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब वो फिल्टर आउट करने का भी समय आ गया है ना तरुण। ऐसे बहुत सारे जी जी इन्वेस्टमेंट्स हैं जी आपकी जो आपको किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, आपको कोई कमाई नहीं करके दे रहे, लेकिन आपने, क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, आपने इकट्ठा कर रखे हैं, है ना, अब उसको हम कैसे छांटे। जी ये अगेन ये आप ये देखिए, ऐसा नहीं है। अब आपने अगर आपने इन्वेस्टमेंट ले रखी है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है, आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है, तो जस्ट बिकॉज कि भाई मैं अब नई व्यवस्था में आना चाह रहा हूँ या फिर मैं नई व्यवस्था में ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो एसएससी या इंडिविजुअल्स को, नौकरी पेशा लोगों को या कोई भी है, वो इमरजेंसी के लिए आपको काम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको बंद कर दूँ, मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बंद कर दूँ, पॉलिसी बंद कर दूँ, मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस बंद कर दूँ, ऐसा करना हानिकारक होगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये मेरे को बेनिफिट नहीं दे रहे, टैक्स में कोई बचत नहीं दे रहे, तो मैं ऐसे बंद नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैंने सुकन्या समृद्धि में लगा रखा है, सुकन्या समृद्धि भी एक गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, जिसमें बेसिकली उसको शादी के लिए या हायर स्टडीज के लिए पैसे मिलते हैं, और उसका अगर हम रेट भी देखें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बाद सबसे हाईएस्ट रेट वो दे रही है सुकन्या समृद्धि, और उसका रेट ईयर ऑन ईयर अक्यूमुलेशन भी एग्जेम्प्ट होता है, और जब आप विड्रॉ करते हैं तभी वो एक टैक्स वो उसमें निकाली जाती है, बट ब्रॉडली आपका जो ईयर ऑन ईयर अक्रीशन है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने, क्योंकि मैं आप बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा तो मैं सुकन्या समृद्धि बंद कर दूं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है मेरा वो सब मैं बंद कर दूं। इवन एनपीएस जो है, एनपीएस का 50,000 का जो बेनिफिट आपको मिलता है तो वो भी बंद नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे ईएलएसएस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारा का सारा आपको कंटिन्यू करना चाहिए। वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि आपका ड्राइवर, आपका लक्ष्य टैक्स की छूट प्राप्त करना नहीं है। टैक्स छूट प्राप्त करने से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स का चयन ना करें तो यही बेहतर है। वही उसी तरफ भारत एक कदम बढ़ा रहा है, और यही चीज हमारी वित्त मंत्री ने भी समझाने की कोशिश की थी। चलिए,
चलिए, तो हमने काफ़ी हद तक समझाया दर्शकों को कि किस तरह से उनको चुनाव करना चाहिए, चयन करना चाहिए पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था का, और तमाम तरह के निवेश विकल्प जो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आपको मिल रहे हैं अभी भी, वो हम आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश होते हुए दिखा रही हैं। लेकिन कुछ सवाल दर्शकों ने भेजे हैं, वो सवाल तरुण के सामने मैं रखूँगी। तरुण, हो सकता है कि पूरी समझाइश हमने ऑलरेडी इस पर कर रही हो लेकिन सवाल रिपीटेटिव आपको लगे। सीमा का सवाल मैं लूँगी, जो पूछना चाह रही हैं कि अगर मैं इस साल नई कर व्यवस्था चुनती हूँ तो क्या मैं अगले साल पुरानी कर व्यवस्था में बदल सकती हूँ या नहीं? जी सीमा जी, देखिए जैसा कि हमने कहा, आप नई, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अगर आप बिजनेस मतलब आपकी प्रोफेशन से अगर कोई कमाई नहीं है तो डेफिनेटली आप बदल पाएंगी। आप ईयर ऑन ईयर आप चयन करें आप, लेकिन आपके डिफॉल्ट रिजीम जैसे कि वो नई रिजीम है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को भी, और आप अपनी रिटर्न के टाइम पे भी ये चूज कर सकती है, बशर्ते आप अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करें, 31 जुलाई या उससे पहले फाइल करें। अच्छा, गार्गी का एक सवाल मैं लूँगी और ये काफ़ी अहम सवाल गार्गी ने पूछा है, क्योंकि यहाँ पर ये जानना चाह रही हैं कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है उसमें निवेश करना अब मुमकिन तो हो गया है, 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू होना था, लेकिन उसके बारे में इनके पास जानकारी कम है। पूछ रही हैं कहाँ निवेश किया जा सकता है, कैसे इस प्रमाण पत्र में आप इसको खरीद सकते हैं सर्टिफिकेट को, और क्या खाता खोलना पड़ेगा, कितना निवेश कर सकते हैं, कमाई कितनी होगी, क्या कोई टैक्स छूट भी इसके तहत मिलेगी, बताएं। देखिए, महिला सम्मान जो पत्र है ये अभी ही रिसेंटली सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो स्कीम है ये शायद मेरे हिसाब से दो साल के लिए ही है, दो साल की अवधि के लिए ही है। तो इसमें आप अपनी बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में जाके इसका ज्यादा पता कर सकते हैं, और आपको एक 7.5% की आपको एक फिक्स्ड कमाई आपको करके देता है, और इसमें जो ब्रॉड जो आप इन्वेस्टमेंट की भी जो लिमिट है वो भी तय की गई है, तो आप मतलब 2 लाख तक इसमें निवेश कर सकती हैं, और आपको करीब करीब अगर 2 लाख पे 7.5% का मैं अगर अनुमान लगाऊं तो करीब 30,000 का ब्याज बनता है, तो वो आपको ब्याज भी एक प्राप्त हो जाएगा, और ये टैक्सेबल है, ये टैक्स फ्री नहीं है जितना की क्लैरिटी से उन्होंने बताया है, तो ये टैक्सेबल होगा, बट ब्रॉडली आपको ये इतना बेनिफिट करके देगा क्योंकि ये फिक्स्ड एक इनकम टाइप का है, आपको रिस्क भी कम है, तो ये एक अच्छी योजना साबित हो सकती है। चलिए, जो देश भर के लोकल बैंक और पोस्ट ऑफिसेज में जो हैं आप जाकर इस बचत पत्र को ले सकते हैं, और 24 महीनों का ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके तहत आप अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि जो है वो लगा सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से है, केवल महिला निवेश कर सकते हैं, और 1 अप्रैल 2023 से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, आपने समय निकाला दर्शकों की तमाम टैक्स को लेकर जितनी भी गुत्थियाँ हैं उन्हें सोचा।